खनन माफियाओं द्वारा किसानों पर दबंगई दिखाकर मारपीट करने के मामले में लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, जिससे गुस्साए सैकड़ों ग्रामीणों ने आज खनन पर धावा बोलकर खनन को बंद करा दिया और वहां पर मौजूद खनन माफिया के गुर्गों को भी दौड़ा दिया है, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गुस्साए किसानों ने जेसीबी मशीन से खनन के रास्तों में गड्ढे खोदकर बंद करा दिया और खनन को नहीं चलने देने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि मामला छपरौली थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले कई महीनों से यमुना नदी में बालू खनन किया जा रहा है और हथियारों से लैस खनन माफिया के गुर्गे आए दिन खेतों में काम करने जाने वाले लोगों के साथ मारपीट करते हैं और कल शाम भी गांव के ही रहने वाले किसान नीटू के साथ माफिया के गुर्गों ने लाठी डंडों और हथियारों की बटों से मारपीट की थी, जिससे गुस्साए किसानों ने आज गांव के खनन माफियाओं के खिलाफ पंचायत कर खनन पर धावा बोल दिया और वहां पर मौजूद माफिया के गुर्गों को खदेड़ दिया और जेसीबी मशीन से खनन के रास्तों में गड्ढे खोदकर रास्ता बंद कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन किसानों ने खनन को नहीं चलने देने की चेतावनी दी है। सर, छपरौली थाना क्षेत्र के बदरहा गांव में एक मामला आया है, क्या है पूरा मामला? एक मामला कल आया था मारपीट का, उसमें 432/19 का मुकदमा 147/47/323 का कायम हो गया, जिसमें नीटू सनाफ नेम सिंह है बदरखा के और ये खनन में भी जुड़े हुए हैं कि मुकदमा बनाम अज्ञात है और अभी यह स्पष्ट नहीं कि कोई खनन को लेकर झगड़ा, अब इसकी विवेचना और जाँच की जा रही है, इसमें जो तथ्य मिलेंगे उसके अनुसार आगे अग्रिम वैधानिक और योजनात्मक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है जी वीर सेन चौधरी। किस लिए हंगामा हुआ यहाँ पर? ये हंगामा आया यहाँ दादागिरी से जी, यहाँ है गुंडागर्दी और जो वैसे भी रेता वेता ले रहा है उन्हें भी पिटे, ट्रक वालों को ये पिटे और जी गाँव वासी को ये पिटे, दारू ये मांगे यहाँ जनता पता पीट पीट कर दारू लो मेरी खतर, रिवॉल्वर पिस्टल के नाम है, नाम तो हम जानते नहीं, ये दिखा दिखा के पोट मारे लोगों के, कई दफे वार कर लिया जी यहाँ बालकू पे, चलने नहीं दिया जाएगा यहाँ पर खनन, यहाँ खान नहीं चलन जी, पूरे गांव की पंचायत हो गई ये कह दिया, बनना तो हम पीटे किसी पर ना, अपने गांव की खनन चलन दे। खनन पर हंगामा हुआ किस बात को लेकर के हंगामा हुआ? काफी भीड़ यहाँ पर पहुंचे, सैकड़ों लोग पहुंचे। कल हंगामा बिना वजह हुआ, दहशत गर्दी फैलाने के लिए हुआ और गांव में रोब जमाने के लिए हुआ, कुछ लोग बदमाश वे हावी हुए हैं यहाँ, जो जिन्होंने पहले खान ले रखी थी वे सब निकाल फेंक दिए यहाँ से, अब यहाँ पे बदमाश हावी हैं। कौन बदमाश है, किसके गुर्गे हैं ये हथियारों से लैस होकर के मारे गाल पर यहाँ पे? हाँ, सचिन के गुर्गे हैं ये, तो ऊपर से भी इनका संपर्क है कहीं से। अभी यहाँ पहुँचे हो, खनन को बंद करा दिया आप लोगों ने? हाँ, अभी यहाँ सब पूरा गांव 36 बिरादरी के लोग हैं यहाँ और गांव में पंचायत की गई, उनके खिलाफ FIR भी की और प्रशासन भी आज हमारे साथ है और यहाँ 36 बिरादरी के लोग हैं। क्या नाम है जी तुम्हारा? देवेंद्र कुमार जी। देवेंद्र जी, किस लिए आए हो यहाँ पर, क्या है? यहाँ जो है कल जो है मेरे चाचा जी का लड़का खेत में गया हुआ था चारा लेने के वास्ते, वहाँ से जो है ये खान पे जो बदमाश रह रहे गुंडे यहाँ से रखे जा रहे हैं, पूरे गांव को जो है तंग करे, 3-4 दफे वाके हो चुके हैं यहाँ से, तो गाड़ी जहाँ वो गांव से जा रहा था ट्रैक्टर लेके चारा लेने के वास्ते, तो उसके आगे गाड़ी अड़ा के और जो है उससे नीचे उतारेगा, नीचे उतार के उसके साथ में मारपीट करी गई और जो है उसके साथ में भद्र तरीके से जो है गाड़ी गलौज से पेश आए और उसके पिस्टल लड़ाए और तमंचा और उसके साथ में जो है लाठी डंडों से पेश आए और जो है पूरा गांव एक है, आक्रोश है पूरे गांव में और जो है खान को चलन नहीं देंगे, बंद करेंगे, जो हमारे गांव से जो है ककोर और ककोर से छपरौली जाने का रास्ता है सारा आबादित है और जो है इसमें सभी लोग एकत्रित है और जो है ना तो कॉलेज में ना हॉस्पिटल में कोई बीमार जा सकता, ना बच्चे स्कूल में पढ़ने वास्ते जा सकते और जो है सभी लोग इससे परेशान है, जो कोई भी इसके बारे में कुछ भी आवाज़ उठाते हैं वे गुंडे घर पे ही जाकर जो है उन पर हमला
करने के जो है धमकी देते हैं और जो है पूरा गांव आज आक्रोश में है और पूरा पंचायत हुई और जो है हम इस खान को चलन नहीं देंगे। वास्तव भी ये हमारा संकल्प है, सारा गांव इसी खान पे, सैकड़ों आदमी इसी के आए हुए है और जो है रात को भी यहीं रहेंगे और जो है इन गुंडों को आ बिठाएंगे। पूरे पूरे प्रशासन भी हमारे साथ में है और मीडिया भी बहुत अच्छा काम करी है हमारे साथ में।